आए इंसानियत से मरी दुनिया, मैं रेनू शर्मा। कहते हैं योगी मोदी के राज में औरतें सुरक्षित हैं, बहुत घमंड लिए लड़कियां और बोलती हैं कि हम योगी मोदी के राज में सुरक्षित हैं। घमंड करना बंद कर दो, क्योंकि जो हाल मेरा हुआ है इसी दिन तुम्हारा भी होगा। यूपी के जनपद बुलंदशहर में एक महिला का मौत से पहले का वीडियो सामने आया, जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा। महिला ने अपने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर षड्यंत्र के तहत मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। हाय, इंसानियत से मरी दुनिया, मैं रेनू शर्मा। इस पर ही मर जाना है। अपने परिवार के लिए मैंने चोट खाई है, मेरे ही परिवार को भड़का के मुझ पर ही षड्यंत्र रचा है। किसी अमीर पर षड्यंत्र रच कर देखो, हो जिगरे में दम तो वरना कायर ही रहोगे, कायर ही हो। और ये राम भूल क्या है, ये इसका लड़का क्या है? मेरे सामने कुछ भी नहीं था, तुम्हारा सपोर्ट नहीं होने थे। अरे जिसके जिसकी रक्षा करने के लिए उसके परिवार ने जी जान लगा दी हो, आज वो ही उनमें घुस गया, उनके षड्यंत्र में शामिल होकर अपने छोटे भाई की बीवी पर हाथ उठाया, उसे शर्म नहीं आई? तू क्या जिंदगी जिएगा? तू तो उसी दिन गिर गया जिस दिन तेरे लिए तेरा परिवार खड़ा था, और तू उन्हें छोड़कर जो तेरी जान के पीछे पड़े थे उन्हें छोड़कर उन्हीं में शामिल हो गया अपने परिवार को जान से मारने के लिए। वीडियो बना रही महिला के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे जा सकते हैं। अलीगढ़ जनपद के चंडौस क्षेत्र के चीती गांव निवासी वकील शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी रेनू की शादी 15 साल पहले जनपद बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के गांव खुरियावली निवासी जितेंद्र के साथ की थी। विगत रविवार को ससुराल पक्ष के कुछ लोगों द्वारा रेनू को मारने का प्रयास किया गया था। उस मारपीट में रेनू के शरीर पर गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने पति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी, जबकि बुधवार को रेनू का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। तेरा पैसा भी किसी दिन कोई काम नहीं आएगा, और तुम लोग मेरे परिवार को क्या तोड़ोगे? अपने परिवार की रक्षा करना क्या हुआ सर? इस युग में इस युग कलयुग में एक द्रौपदी को बचाने के लिए कोई कृष्ण या विष्णु नहीं आया, लेकिन एक दिन जरूर आएगा और तुम्हें इस तरह तोड़ेगा कि जिंदगी और मौत के लिए ही मांगोगे, ना ही जिंदगी मिलेगी ना ही मौत मिलेगी। तुम्हारा सुकून छिन जाएगा, ये मेरी आत्मा से बद्दुआ है। मुझे क्या तोड़ोगे तुम? और ये चोट मैंने, ये मेरा स्वाभिमान है, क्यों कि मेरे परिवार की रक्षा के लिए मैंने कुछ हद तक मर्दों वाला काम किया। क्या तोड़ोगे? सत्य पर जीती हूँ, सत्य पर मरूंगी। क्या हुआ सत्य? आज थोड़ी से बादलों में छिप गया, लेकिन स्वर्ण की तरह हमेशा चमका है, चमकेगा। मृतका के पिता ने पुलिस को हत्या किए जाने की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसमें पति जितेंद्र, जेठ रामभूल समेत 6 लोगों पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और षड्यंत्र रचने वाले लोग अजय, प्रिवीना, बबलू, हेमंता, यही लोग हैं। अरे इतने सारे इकट्ठे होकर एक गरीब पर
गरीब पर षड्यंत्र रच। पुलिस का कहना है कि इसकी सूचना उसके पति द्वारा थाने आकर दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के कमरे में महिला का शव फंदे पर लटका हुआ था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़।